दोस्तों, ये ब्रह्म पुराण है। मैंने चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से मंगाया था। ये दो पार्ट में आता है, पूर्व भाग उत्तर भाग। इसका प्राइस से आप देख सकते हैं कि इसका 975 रुपये प्राइस है, और ये वाला 1025 रुपये प्राइस है। लेकिन आप जब भी मंगाना तो मंगाना, क्योंकि पोस्टल वगैरह के चार्जेस भी रहता है। आप वहाँ पे वहीं पे उनके वाराणसी में हैं तो वहाँ जाकर डायरेक्टली ले सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छा थे। इनका अभी देख सकते हैं आप, भाषा टीकाकार एस एन खंडेलवाल जी हैं। और ये ब्रह्म पुराण जो है वो पहला पुराण है। कोई किसी को पुराण स्टार्ट करना हो तो ब्रह्म पुराण से स्टार्ट कर सकता है। ब्रह्म पुराण का प्रथम पुराण कहा गया है। और आप देख सकते हैं चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस, चौखंबा कृष्णदास एकेडमी, इन लोगों का चौखंबा का बहुत प्रिंटिंग बहुत अच्छा है सारे। लेकिन प्राइस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है। आप गीता प्रेस में जाओगे, आपको नॉमिनल वैल्यू में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी इनका गीता प्रेस हमारे देश के बहुत बड़ा धरोहर है। हमारे संस्कृति का बचाए, हिंदू धर्म का संस्कृति का बचाए रखा है इस तरह ने। और इन लोगों का भी, चौखंबा पब्लिकेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। चौखंबा अभी क्या कर रहा है ना, सारे धर्म ग्रंथ को अभी इंग्लिश हो या हिंदी हो उसमें ट्रांसलेट करके प्रकाशन कर रहा है। इन लोगों का थोड़ा क्या था ना, पहले पहले ज़्यादा ही और भी ज़्यादा रेट रहता है। कोई भी बुक्स निकलती है, पहली बार निकलती है तो ज़्यादा रेट होते थे। वेद उन्होंने निकाला था कुछ 18,000 का समथिंग निकाला हुआ था पहले, लेकिन अभी आप चौखंबा से वेद मंगाएंगे तो वो आपको इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और मेरे पास ये शायद मैंने तीन पुराण मंगाए थे पहले भी, आपको वीडियो बना चुका हूँ। मैंने कलिका पुराण और एक था शायद ब्रह्मांड पुराण, दो पुराण का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और मेरा तीसरा वीडियो होगा ब्रह्म पुराण। तो मैं इसको डिटेल रिव्यू इसका एक आएगा जब मैं पूरा इसको पढ़ सकूँगा। उसके बाद देखिए, जो ये जो है ना, आप लोग पूछे कि संस्कृत, मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है संस्कृत में। जस्ट पढ़ सकता हूँ संस्कृत, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जिन लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ना है, ये जो श्लोक होते हैं ना, श्लोक नहीं ना पढ़ के आप ऐसे इधर से भी पढ़ सकते हैं। सारा ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा हूँ उन लोगों का वो बहुत सारे अच्छे। लेकिन ये श्लोक श्लोक क्या है ना, हमको ये याद दिलाते हैं कि हमारा संस्कृत भाषा लुप्त ना हो जाए। हमको चला के रखना है सनातन धर्म को, हमको बचा के रखना है। और मेरे अकेले की नहीं, सारे लोगों का चेष्टा से ये हो पाएगा। ठीक है, सारे पुराण हमें पढ़ना है, आप दूसरे लोगों का भी ज्ञान फैलाना है। जय श्री राम।